जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा स्टूडियो रे आपनंकु स्वागत। बंधुगण आम भारतीय ज्योतिष शास्त्र अनुसारे काल सर्प दोषरे पीड़ित व्यक्ति को जीवन रे केते प्रकार समस्यार सम्मुखीन करबाकु पड़िथाय एवं एथिरु मुक्ति पाइबा पई मध्य केते प्रकार ज्योतिषी उपाय विषय रे कुहा जायछि, किंतु एहार निवारण पई नागपंचमीर दिन को अत्यंत उत्तम मना जाय थाए। श्रावण मासर शुक्ल पक्ष पंचमी को नागपंचमी कहा जाए एवं यही वर्ष 25 जुलाई शनिवार दिन नागपंचमी पड़ीबा को जाउछि। यही दिन नागदेवतांको पूजार्चना करिवार परंपरा रहीछि। सेति पई आज वीडियो माध्यम रे आमे कालसर्प दोषर लक्षण ओ निवारणर किछि उपाय विषय रे जानिबा। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करि आछन्ते तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबै आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबै ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहे कि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा कालसर्प दोष थिबा व्यक्तिंक जीवन रे कोन-कोन लक्षण देखा जाय। कालसर्प दोष थिबा व्यक्तिंकु परिश्रमर पूर्ण फल प्राप्त होई नथाय एवं पूर्ण हेउथबा कार्य मध्य आकस्मिक भाबरे बिगिडी जायथाय। वाणिज्य व्यवसाय रे बारंबार क्षति होईथाय एवं बारंबार अपमान सहिबाकु पड़िथाय। सेहि परि संतान हेउ नथिबा बा संतानंक उन्नति न हेबा मध्य कालसर्प दोषर लक्षण होईथाय। विवाह रे विलंब हेबा बा वैवाहिक जीवन अस्तव्यस्त रहिबा कालसर्प दोषर लक्षण होईथाय। स्वास्थ्य खराब हेबा अथवा बारंबार दुर्घटना घटुथिबा भयानक स्वप्न बारंबार देखा जिबा नाग नागुणी बारंबार देखिबा कालसर्प दोषर लक्षण होईथाय। सेहि परि मृत व्यक्ति स्वप्न रे किछि मागिबा अथवा बरजाति देखिबा जल रे बुडी जाउथबार देखिबा बा लंडा हेइथबार देखिबा अंगहीन होइथबा व्यक्तिंकु देखिबा एही सबु कालसर्प दोषर लक्षण होईथाय। जदि आपनंक जीवन रे मध्य एही परि घटु थाय ताहेले कालसर्प दोषर निवारणर उपाय नागपंचमी दिन अवश्य करंतु। नागपंचमी दिन भगवान शिवंक अभिषेक करंतु एवं अभिषेक करिबा समय रे सामर्थ्य अनुजाई रूपार नागनागुणीर जोड़ी अर्पण करंतु एवं एही दिन कोनोसी सापुआ थारु नागनागुणी को किनी जंगल रे छाड़ी मुक्त करि दियंतु अथवा नवनाग स्तोत्रर 108 थर पाठ करंतु एवं निज ओजन समानर कोइला जल रे भसाई दियंतु। एही परि करिबा द्वारा कालसर्प दोषरु मुक्ति मिलिथाय। नाग पंचमी दिन पीपल वृक्षर तले किछि दुग्ध रखि दियंतु एवं बही जाउथुबा जल रे 11 गोटी नडिया प्रवाहित करि दियंतु। नाग पंचमी दिन रुद्राभिषेक करिबा द्वारा मध्य कालसर्प दोष को कम करा जाई पारिबो। कालसर्प दोष रे पीड़ित व्यक्ति को नाग पंचमी दिन नागदेवतांको विधि विधान रे पूजा करिबा उचित। एहा व्यतीत नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् एही मंत्रर जप करंतु। नाग पंचमी दिन भगवान शिवंकु विजया अरख एवं दुदुरा पुष्प एवं फल अर्पण करंतु तथा दुग्धरे रुद्राभिषेक करंतु। एही परि करिबा द्वारा कालसर्प दोषर प्रभाव रे हानि घटिथाय। तो बंधुगण एहा थिला नागपंचमी दिन रे कालसर्प दोषर निवारणर किछि उपाय विषय रे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथाय लाइक शेयर ओ कमेंट करि जणंतु एवं एही परि नुआ नुआ ज्ञानवर्धक भिडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।